बहुत मजा हमारा है। इसी के साथ सुप्रभात सभी को। हम कक्षा 9वीं के छात्र आज आप सभी के समक्ष स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है स्वच्छता। तो चलिए शुरू करते हैं। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो। अरे आजकल तो जहाँ भी देखो देश का हर व्यक्ति सरकार के स्वच्छता अभियान के विषय में ही बात करता दिखता है, लेकिन ये सब कल किसके लिए है? नहीं, क्या ये मीडिया के लिए है? ये तो हमारे खुद के लिए है, हमारे लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, लेकिन यह एक दिन का काम नहीं है। इस हरे को लिए है कि यहाँ पांच कितना बड़ा है। और भाई ऐसा है पोस्टर देखने जाना नहीं है, यहाँ पान फूकना मना है। अब पानी फूकना आएगा वाह, हरे हरे पान का कमर शहर के हर कोने में आ। सुनो सुनो सुनो, अरे ये तो अशिक्षित लोग हैं, हमें इनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है पढ़े लिखे लोग अपने देश को साफ रखते हैं? जस्ट बिकॉज यू आर एजुकेटेड डज नॉट मीन यू वैल्यू क्लीनलीनेस। मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो स्कूल को जा रहा था, मैं तो घर को आ गया, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, मुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अरे दिव्य जी कैसे हो? और बहुत अच्छे और तुम कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। अरे भाई बहुत भूख लग रहा है, कुछ खाने के लिए है क्या? मम्मी साफ कर देती है। अरे बाप रे, इतने कचोड़ा वो बुआ को कहनी थी मुझे भी कचोड़ा यही थे फेंक डस्टबिन में पका। कौन कही बार पका है तो पता नहीं सुनी में नहीं, क्या यही सही है? क्या यही हम हमारी सरकार सिखा रही है? क्या हम इतना अनएजुकेटेड लोग हैं जो इधर इधर कचरा फैला कर चले जा रहे हैं? मुझे क्या ये फर्क पड़ता है? सुनो 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 सुनो, ओवर आवर स्कूल ईयर वी मेक ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग क्लीनलीनेस, बट डज इट एक्चुअली चेंज आवर माइंडसेट? आप सरकारी बसें चलाते हैं, आप दूसरों बसें चलाते हैं, पर कभी आपने अपनी गलती देखी है? क्या आपको पता है आज क्या है? आज तो स्वच्छता दिवस है, तो इसके अनुसार मेरे को तो एक पोस्ट डालना है ताकि मैं इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉलोअर्स बन सकूं।
सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो डू यू लिव योर लाइफ और डू यू एक्चुअली वांट चेंज टू हैपन इन दिस कंट्री स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। धन्यवाद।